गाने के अंदर कुछ एक सीन कुछ इस तरीके से आता है, जब परिणीति और अक्षय कुमार, तो पीछे आपको ये पेड़ वगैरह दिखाई देंगे, इधर से जब परिणीति चोपड़ा और अक्षय कुमार आते हैं तो अक्षय कुमार सीडी को साफ करता है। और दोस्तों सन 2019 में एक मूवी आई थी अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की, जिसका नाम है केसरी। दोस्तों केसरी मूवी का एक गाना है जिसका नाम है माही मैनू छड़ियो ना, तो उस गाने की शूटिंग लोकेशन हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। आप लोगों ने अगर गाना पूरा देखा होगा तो आप लोगों को कुछ इस तरीके की छतरियां और एक कुएं का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों मेरा नाम मनीष है और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज में। अगर दोस्तों आप लोग इन दोनों जगह पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूं, इस गाने के कुछ सीन राजस्थान के शेखावाटी में एक जगह है जिसका नाम है डूंडलोद करके, जयपुर से करीब 148 से 150 किलोमीटर की दूरी पर यह है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जो यहाँ के सीन है वो दिखाते हूँ और यहाँ का जो नज़ारा है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख रहे हो, ये एक सामने पानी का कुआं है, इससे पानी पीने के लिए निकाला जाता था और अभी इसके ऊपर एक जाल लगा रखा है, ये इसके ऊपर जाल लगा रखा है ताकि इसके अंदर कोई कुछ पटके नहीं या फिर कोई गिरे नहीं। और इसके आसपास में आपको छतरियां दिखेंगी और यहाँ पे छतरियां हैं, ये चार पांच छतरियां हैं यहाँ पर। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र भी है डूंडलोद, उस पर लिखा हुआ है अगर आप लोगों को यहाँ पे आना हो और अगर खोज नहीं पाओ इस जगह को। तो दोस्तों इस छतरी के अंदर से गाने के कुछ सीन फिल्माए गए हैं, तो अभी इस छतरी के अंदर क्या है कि लॉक लगा हुआ है, तो हम लोगों को कुछ दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। ये छतरी बंद है तो आप इस छतरी को देख सकते हैं, पर ये बहुत ही, और अभी हम लोग क्या है कि उधर के सीन देखते हैं जो कुआ है, तो हम लोग उधर चलते हैं, वहाँ के जो सीन लिए गए उनको हम लोग देखते हैं। वैसे ये कुआ भी अपने आप में देखो देखने में कितना शानदार लगता है ना, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी जगह हैं, इनको बनाया ही उस तरीके से गया है। तो अभी हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं गाने के जो कुछ सीन लिए जाते हैं इस जगह से। गाने के अंदर यहाँ से एक सीन लिया जाता है, उधर से जब परिणीति चोपड़ा और अक्षय कुमार आते हैं तो अक्षय कुमार सीडी को साफ़ करता है और इस जगह को साफ़ करके वो बैठ जाता है यहाँ पर। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, आप मैच कर सकते हो इस जगह को, और आप ये पीछे कुएं के ये पिलर देख रहे हो और यहाँ पे जो ये लोहे की पाइप लगी हुई है। इस गाने के वो बोल फिल्माए जाते हैं, रंग तेरा चढ़ आए हूँ कोई रंग न चढ़ना, यहाँ से आप देख सकते हो ये जो सीढ़ी है इनके ऊपर ही परिणीति बैठी रहती है और इस वाले छोटे से चबूतरे पर अक्षय कुमार बैठता है। और अब हम लोग चलेंगे आप लोगों को लेकर इस छतरी के अंदर। तो दोस्तों हम लोग अभी आगे हैं इस बड़ी छतरी के अंदर, तो आप लोग इसकी पेंटिंग देख सकते हो, क्या शानदार पेंटिंग है। और ये वाली छतरी आप देखोगे तो इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग दिखाई देगी। मुझे ये पेंटिंग अच्छी लग रही है इसीलिए मैं आप लोगों को इसको दिखा रहा हूँ। और देखो गाने के कुछ सीन यहाँ से फिल्माए जाते हैं, ये जो छतरी दिख रही है आपको, इस छतरी के अंदर अक्षय कुमार खड़ा रहता है और हाथ से इशारा करता है, तो पीछे आपको ये पेड़ वगैरह दिखाई देंगे, ये जितने भी यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं। मैं क्या है कि वाइड में इसको शूट कर रहा हूँ ताकि ये छतरी पूरी अच्छे से दिख सके और ये साइड का भी नज़ारा दिखता है। गाने के अंदर कुछ एक सीन कुछ इस तरीके से आता है, जब परिणीति और अक्षय कुमार इस छतरी के अंदर बैठे रहते हैं तो पीछे आपको बैकग्राउंड में एक छतरी दिखाई देती है, इसी जगह पर परिणीति और अक्षय कुमार बैठे रहते हैं। वो होता ना गाने में बोल आता है कि माही तू जिथे भी चली हो तेरे पीछे पीछे होना है, तो इसी जगह पर वो फिल्माया जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट में मैच कर सकते हो पूरा। और इसके अगर आप आसपास देखोगे तो आपको यहाँ पर पेड़ दिखाई देंगे और बाकी यहाँ पर खेत वगैरह हैं
वो दिखाई देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस छतरी को पूरा देख लेते हैं बहुत अच्छे से। बहुत ही प्यारी छतरी है, इसीलिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ इस छतरी को। इस छतरी को एक बार देखते हैं तो इसके अंदर देखो हमें क्या दिखाई देता है। ये इस छतरी के अंदर एक बीच में ये चबूतरा बना हुआ है, एक बड़ा ही सारा, बहुत बड़ा है। और इसके अंदर की जो पेंटिंग है वो तो एकदम लाजवाब पेंटिंग है। और इसके यहाँ से दिखता है हमें सामने वाला ये कुआँ। और अगर आप इस छतरी के इस गुमटी को भी देखोगे तो यहाँ से पीछे कुआँ दिखता है, ये वाला ये कुआँ दिखाई देता है यहाँ पर। दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। एक छोटा सा वीडियो था सिर्फ केसरी फिल्म के गाने के ऊपर, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, कोई फिल्म शूटिंग लोकेशन का वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, लव यू, अपना ख्याल रखना।